मेरा ड्रीम है दैट आई विल ट्रैवल द वर्ल्ड. मेरा कोई ऐसा एम नहीं है दैट यू नो आई विल हैव अ लग्जरी कार और लग्जरी हाउस. बस मुझे दुनिया घूमनी है. Alright guys, day 3 in Mumbai and I'm totally exhausted. कल रात को पार्टी करने चले आया था एंड अभी आज लास्ट डे होगा मेरे मुंबई में. सो आज काम कंप्लीट करना ही पड़ेगा बिकॉज एनी हाउ आई हैव जिस काम के लिए मैं आया था. एंड मुंबई में रहकर आपको बहुत सेल्फ वैल्यू रियलाइज होती है कि आप क्या वैल्यू रखते हो दुनिया में. लिटरली एक एक रुपए की वैल्यू समझ आने लगती है कि कहाँ क्या है क्या नहीं है. इट्स वेरी फास्ट लाइफ. बहुत फास्ट लाइफ है यहाँ पर और मेरे को वैसी फास्ट लाइफ ही पसंद है. मुझे रफ्तार पसंद है थोड़ी ज़िंदगी में. स्लोनेस ठहराव मुझे पसंद नहीं है ज़िंदगी में. लेट्स गो टू स्टेशन अंधेरी स्टेशन एंड वहाँ से फिर कुछ काम के लिए मुझे जाना है तो लेट्स टेक अ ऑटो यार. ट्रेन मेरी छोड़ गई डूब. अब इतना भी वो नहीं हूँ यार कितने भरी ट्रेन में जाऊँ मैं. फ्रस्ट्रेटेड डूब हूँ टोटली. ऑलराइट आई हैव रीच्ड टू अगेन चर्च गेट. जिंदगी ना मेरी काफिर टाइप हो गई है. ना घर है ना ठिकाना. जस्ट रोमिंग आउट फ्रॉम हेयर एंड देयर. कुछ ना कुछ चलते रहे ज़िंदगी में तो ही अच्छा लगता है. एंड राइट नाउ इन दिस 4 days आई एम दैट मच बिजी कि मेरे अंदर कोई इमोशंस भी नहीं आ रहे हैं. कोई दुख का इमोशंस या सुख का इमोशंस बिकॉज मैं इतना ज़्यादा बिजी हो रहा हूँ ना. एक तो मेरी गंदी आदत ये हो गई है कि मैं यू नो कैश कैरी नहीं करता. ऑलवेज ट्रांजेक्शन्स अपने फ़ोन पे एंड पेटीएम गूगल पे से करता हूँ. बट इन मुंबई यू हैव टू डील विद कैशेस ऑल द टाइम. सो अभी एटीएम जाता हूँ वहाँ से कुछ पैसे निकालता हूँ क्योंकि यहाँ भाई ऑटोज़ के लिए फ्रीक्वेंटली एक्सचेंज एंड पैसे करने पड़ते हैं. सो आपको कैश की ज़रूरत हमेशा पड़ी लगती है. रायपुर एंड जहाँ पर मैं रहता हूँ छत्तीसगढ़ में वहाँ तो ऑटो को कोई सीन ही नहीं है भाई. खुद की गाड़ी खुद का पैसा और जो भी कुछ चीज़ें लेनी है फोन पे एंड पेटीएम से पैसे निकाल लूँगा. आप अकेले ट्रैवल करते रहे तो किसी से बात करोगे तो भैया इसी में बतिया लिए. भैया हजारीबाग झारखंड के हैं क्यों भैया? सब यहाँ पर यूपी बिहार और झारखंड सब लोग यहीं आए हुए हैं. ऑटो रिक्शा सब जितने भी 90% सब यहीं के यहीं लोग हैं ना. आई डोंट लाइक दैट मच ऑफ नॉर्थ इंडिया बाय द वे कुछ पर्सनल रीजन के कारण. मेरे को साउथ इंडिया बहुत पसंद है बिकॉज आई फील लाइक दे आर फार मोर इंटेलेक्चुअल पीपल्स एंड स्टडी वाइज एंड एजुकेशन वाइज मुझे साउथ इंडिया ज़्यादा पसंद आता है. सो या दिस एरियाज यू नो डू बिलोंग्स टू लाइक यूरोपियन टाइप ऑफ वाइब. बहुत प्यारा लग रहा है वाला एरिया यू नो. तो एक वाइब आ रही है इसमें क्लासिकनेस की. सो दिस प्लेस इज गुड. मैंने आज इतना चल लिया है ना गाइस. आई मीन कम ऑन डूड मैं चल चल के थक गया हूँ आज और वो भी अकेले अपने आप से बात ही कर रहा हूँ. आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स. सो आई एम बैक. कुछ ऑफिस में कुछ काम था मेरे को. वो काम अभी जो आदमी जिससे मिलना था वो है नहीं. सो एज यू कैन सी आई एम टोटली स्वेटिंग राइट नाउ एंड आई एम इन फ्रंट ऑफ बीच. यू कैन हैव अ व्यू. अब पता नहीं मुझे कितना दिख रहा होगा. बस आगे जस्ट समंदर है. बहुत ब्यूटीफुल व्यू है. सो या
इतने कम लोग पहली बार हैं इस बीच पे, इट्स वेरी काम बीच, वगैरह का तो हलचल नहीं है। समुंदर देख देख के थक गया हूँ मैं, बट आई डोंट नो, थोड़ा देर अगर गर्मी नहीं रहती ना तो वाइब आ जाती है समुंदर की। Alone in this beach and it feels so great. I mean, as you can see, कोई भी नहीं है यहाँ and vibe बहुत अच्छी आ रही है। Sometimes self-realizations का कुछ वक्त समय मिलता है आपको यहाँ पर खुद के साथ बिताने का। These are kabutars are also here. अच्छी vibe है, कुछ खुद से बातें करी, कुछ ambitions लिखे, कुछ goals बनाए and कुछ लोग पूछते हैं why you are making, you know, यूट्यूब चैनल इतने व्यूज़ भी नहीं आते, ये आप और कंटेंट डालते हो एंड यू नो गिव सो मच एनर्जी टू डैट। बस मेरा यही चीज़ है कि मैं ये चीज़ें खुद के लिए कर रहा हूँ बिकॉज द मेन पॉइंट ऑफ मेकिंग यूट्यूब वीडियो इज लाइक कि मैं अपनी लाइफ की एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं 10 से 20 साल बाद कहीं बैठा हूँ, मेरे बच्चे हो जाएंगे, मेरी शादी हो जाएगी, इट्स साउंडिंग वेरी क्रिंजी, तो मैं ये देख सकता हूँ यार कि मैं इस टाइम में ये कर रहा था। एंड इट्स ऑल अबाउट यू कि आप एक डॉक्यूमेंट्री चीज़ें बना रहे हो कि हाँ इस वक्त ये सारी चीज़ें करी, तो ये यादें हमेशा कहीं ना कहीं किसी जगह पे रहेंगी। मेरा ड्रीम है दैट आई विल ट्रैवल द वर्ल्ड, मेरा कोई ऐसा एम नहीं है दैट यू नो आई विल हैव अ लग्जरी कार और लग्जरी हाउस, बस मुझे दुनिया घूमनी है। पैसे आज नहीं तो कल कमाऊँगा ही, उसका कोई इशू नहीं है, बस ये है कि जब मैं मरूँ ना तो मैं इस दुनिया का कोना कोना देख के मरूँ, हर एक कल्चर को जानूँ, इंसानों को समझूँ, इंसानों को परखूँ, जानूँ कि हर जगह पे कैसी दुनिया जीते हैं लोग, एंड एक क्रिएटिव एक लाइफस्टाइल क्रिएट करूँ उस चीज़ से। अमीरी देखना चाहता हूँ, गरीबी भी देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए यू हैव टू एक्सप्लोर एंड मेरा यही वर्ल्ड का ड्रीम है एंड फॉर दैट आई हैव टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज ये सारी चीज़ें मैं खुद के पैसों से करना चाहता हूँ। थोड़ा नॉस्टैल्जिक साउंड कर रहा होगा, फिल्मी टाइप का, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। जो मैं सपना जो मैं वर्ल्ड ट्रैवल का देख रहा हूँ वो मैं 2 टिकट में ही देख रहा था, जो एक सोलमेट जो कहते हैं लोग, बट आई गेस यूनिवर्स इज़ गिविंग मी डायरेक्शन दैट आई हैव टू डू इट अलोन एंड यूनिवर्स कुछ देता है तो सोच समझ के ही देता है। सो या आई फील लाइक आई हैव टू डू इट अलोन एंड आई विल डू इट। सो या I am having this नींबू शरबत, it's 70 rupees, मेरे यहाँ छत्तीसगढ़ में 20 रुपये का मिलता है सेम चीज़ है, 70 rupees फॉर दिस, आई मीन वॉट, नहीं देने में 200 रुपये भी कुछ नहीं है लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए ना 70 rupees के हिसाब से, आई मीन या बट यू हैव टू बी हाइड्रेटेड ना, सो दैट्स व्हाई। ओके गाइस, सो राइट नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ द वेरी फेमस मरीन ड्राइव एज यू कैन सी एंड आई एम क्रॉसिंग द रोड, रुके हुए हैं भाई ये लोग एंड या एज यू कैन सी हेलो गाइस ओके हियर इज द मरीन ड्राइव हॉलीवुड स्टार्स स्टार किड्स बिल्डिंग हु यूज टू लिव एंड यहाँ पर शाम को बहुत अच्छा माहौल रहता है बिकॉज यू नो इन इवनिंग पीपल यूज टू कम हियर एंड रिलैक्स। अभी तो कोई ऐसे खास लोग है नहीं,
बट या यहाँ पर संडे को लाइक बहुत ही यूज्ड टू बी लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, योगा होता है, जॉगिंग करते हैं, सारे लोग आ जाते हैं, पूरा भरा हुआ रहता है। बट अभी गर्मी इतनी है कि वो नहीं हो सकता। एंड लेट मी टेल यू, यहाँ पर जाने का पुलिस फाइन है। अगर यहाँ जाते हुए पुलिस आपको पकड़ ली तो यू विल बी गेट फाइन बाय पुलिस। पहले यहाँ पर लोग चले जाते थे एंड दे यूज्ड टू क्लिक फोटोज एंड ऑल। मैं भी सोचा था यहाँ चले जाऊँगा करके, बट जब मैं पहली बार आया तो बताया गया कि यहाँ पर फाइन है। सो या सो ऑल राइट गाइज, विद दिस सेड आई शुड एंड माई वीडियो यो। And tomorrow I have to catch a flight for Raipur. And yeah, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड बाय। See you soon while I'm traveling.